नॉलेज शेयरिंग में जब हम ख़ासतौर पे नॉलेज क्रिएशन की बात करते हैं तो उसमें जो टेक्नोलॉजीज़ इस्तेमाल होती हैं उसमें एक इम्पोर्टेंट टेक्नोलॉजी है क्राउड सोर्सिंग के नाम की तो ये क्या कॉन्सेप्ट है द प्रैक्टिस ऑफ ऑप्टेनिंग नीडेड सर्विसेज़ आइडियाज़ और कंटेंट बाय सोलिसिटिंग कंट्रीब्यूशंस फ्रॉम अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल and especially from the ऑनलाइन community rather than from ट्रेडिशनल employees और सप्लायर्स आम तौर पर हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अपने एम्प्लॉज से या अपने सप्लायर से रबता करके इन्फॉर्मेशन लेते हैं लेकिन जब हम ऐसी इन्फॉर्मेशन की तलाश में हों कि जिसमें आम पब्लिक हमारी मदद कर सके आम लोग हमारी मदद कर सके तो हम फिर इसको इंटरनेट पे या किसी ऐसे मीडियम पे डाल देते हैं कि पब्लिक हमें बताए उस प्रोडक्ट के बारे में सर्विस के बारे में या उस आइडिया के बारे में तो इस कंसेप्ट को हम क्राउड सोर्सिंग कहते हैं इसमें एक क्राउड है कि जो हमारे लिए इंफॉर्मेशन का या नॉलेज का सोर्स है वाइल द सोर्स ऑफ द डाटा इज डिफरेंट सिमिलर टाइप्स ऑफ एनालिटिक्स कैन बी कंडक्टेड ऑन दिस डाटा तो जब डिफरेंट सोर्सेज से डाटा आएगा तो हम एनालिटिक्स के सॉफ्टवेयर यूज़ करके उस डाटे को कैटेगराइज कर सकेंगे उसका थीमेटिक एनालिसिस कर सकेंगे कस्टमर्स फॉर एग्ज़ाम्पल कैन बी इन्वाइटेड टू पार्टिसिपेट इन ब्रेन स्टामिंग इन प्रॉब्लम सॉल्विंग और इवन इन प्रोडक्ट डिज़ाइन तो ये डिफ़रेंट नेचर के काम हैं कि जिसमें हम कस्टमर्स को इन्वाइट कर सकते हैं ये नई प्रोडक्ट के बारे में एक आइडिया है आप बताएँ कि आप इसको पसंद करेंगे या हमारे जहन में दो आइडियाज़ हैं कि कौन से कलर की कार बनाई जाए इस कलर की उस कलर की तो आप बताएँ आपको ज़्यादा कौन सी पसंद है इस तरीके से आप अपने प्रोडक्ट के बारे में सर्विस के बारे में अपने यूजर से कस्टमर से राय ले सकते हैं क्राउड सोर्सिंग में और क्या है जी कि कंसल्टेशन ऑफन अकर्स ओवर द इंटरनेट एंड मे इंक्लूड वोटिंग ऑन द बेस्ट आइडियाज़ और सॉल्यूशंस एज वेल एज जस्ट एलिसिटिंग फीडबैक टू कैप्चर नॉलेज दैट मे बी अदरवाइज वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई लेट अलोन ऑप्टेन अगर आप ऐसा नॉलेज चाहते हैं जिस पर पब्लिक राय दे तो आप क्राउड सोर्सिंग यूज़ करते अदरवाइज़ वो नॉलेज हासिल करना आपके लिए मुश्किल होता है तो आप इस तरह से उस पर वोटिंग करा सकते हैं और आइडिया आइडिया उनके सामने रख के या आप फीडबैक ले सकते हैं अपनी सर्विस या प्रोडक्ट के बारे में रिलाइंंग ऑन द एग्रीगेट नॉलेज ऑफ अ कराउड कैन बी रिस्की अब ये रिस्क क्या है एज लिटल इज़ नोन अबाउट द कंट्रीब्यूटर्स इसलिए कि वो जनरल पब्लिक होती है उनके बारे में हम जानते नहीं होते हमारे पास कोई अलग से डेटा नहीं होता कि वो कौन लोग हैं किस क्वालिटी के हैं तो ये रिस्क है कि वो जो इन्फॉर्मेशन देंगे पता नहीं वो कितनी सही होगी अब इसका हल क्या है वन गुड सोलूशन इज़ टू कम्बाइन क्राउड सोर्सिंग क्राउड सोर्स कंटेंट विद एक्सपर्ट ओपिनियन इन ऑर्डर टू वैलिडेट द रिजल्ट ऑफ कि आप क्राउड सोर्सिंग के ज़रिए से भी नॉलेज ले लें लेकिन फिर एक्सपर्ट्स के सामने रखें और एक्सपर्ट्स उस नॉलेज को उसको फिर वैलिडेट करें और उसमें जो क्वालिटी के इश्यूज़ हैं उनको रिजॉल्व करें क्राउड uh, सोर्सिंग के डिफरेंट अप्रोचेस होती हैं ये चार हैं uh, इसमें एक है नॉलेज डिस्कवरी एंड मैनेजमेंट अब इसमें क्या होता है इज़ यूज फॉर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स वेयर एन ऑर्गेनाइजेशन मोबिलाइज़ अ क्राउड टू फाइंड एंड असेंबल इंफॉर्मेशन कि आप uh, अपने यूज़र्स को या जनरल पब्लिक को ये बताते हैं कि हमें फ़लाँ किस्म की इन्फॉर्मेशन चाहिए आप अपनी तरफ से वो इन्फॉर्मेशन हमें दें और हम उस इंफॉर्मेशन को एग्रीगेट करके फिर उसको नॉलेज में कन्वर्ट करेंगे तो ये एक सूरत है फिर दूसरी है डिस्ट्रीब्यूटेड ह्यूमन इंटेलिजेंस टास्किंग ह्यूमन इंटेलिजेंस टास्किंग एच आई टी इज़ यूज फॉर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स वेयर एन ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अ सेट ऑफ इंफॉर्मेशन इन हैंड एंड मोबिलाइज अ क्राउड टू प्रोसेस और एनालाइज द इंफॉर्मेशन अब इसमें क्या होता है इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट नहीं करते इसमें इंफॉर्मेशन हमारे पास है हम क्राउड से ये कहते हैं पब्लिक से ये कहते हैं कि इस इंफॉर्मेशन को एनालाइज करने में इसको प्रोसेस करने में हमारी हेल्प करें तो एनालाइज वो करते हैं और हम इंफॉर्मेशन उनको प्रोवाइड करते हैं इसके बाद तीसरी जो इसकी टाइप है वो है ब्रॉडकास्ट सर्च इज यूज फॉर आइडिएशन प्रॉब्लम्स वेयर एन ऑर्गेनाइजेशन मोबिलाइज अ क्राउड टू कम अप विद अ सोलूशन टू अ प्रॉब्लम दैट हैज एन ऑब्जेक्टिव प्रूवेबल राइट आंसर कि जहाँ पे आंसर ऑब्जेक्टिव नेचर का हो हम उनसे ये कहते हैं कि हमें आप इसके बारे में राय दें अब ज़्यादा वोट जिसके हक में आएंगे वो आइडिया जाहिर है हमें बेहतर महसूस होगा और अगर आपकी प्रॉब्लम सब्जेक्टिव नेचर की हो उस पर लोगों की राय हमें चाहिए उनकी सब्जेक्टिव नेचर की राय चाहिए इसका मतलब है उनकी पसंद नापसंद चाहिए लाइकिंग डिसलाइकिंग चाहिए तो हम फिर इसके बाद वाली अप्रोच यूज़ करेंगे पीअर वेटेड क्रिएटिव प्रोडक्शन दैट इज़ यूज फॉर आइडिएशन प्रॉब्लम्स वेयर एन ऑर्गेनाइजेशन मोबिलाईज अ क्राउड टू कम अप विद अ सोलूशन टू अ प्रॉब्लम विच हैज एन आंसर दैट इज सब्जेक्टिव और डिपेंडेंट ऑन पब्लिक सपोर्ट जैसे मैंने पहले आपको मिसाल दी कि आपने मुख्त कलर स्कीम उनसे पसंद करानी है कोई डिज़ाइन पसंद कराना है तो उसमें आप उनके सामने रखेंगे और उनकी लाइकिंग डिसलाइकिंग पूछेंगे कि आप इस आइडिया को किस हद तक पसंद करते हैं हमें बताइए तो वो फिर आपको उस आइडिया के बारे में अपने कमेंट्स देंगे इस तरीके से क्राउड की मदद से या जनरल पब्लिक की मदद से एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने नॉलेज में इजाफ़ा कर सकती है